इस वीडियो में हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पर कुछ सवालों को लेकर आए हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के फार्मूले अच्छी तरह से याद हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप उन फार्मूलों को भूलना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक किसी भी फार्मूले को प्रॉफिट एंड लॉस के याद ही नहीं किया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को किस तरह से सॉल्व करें फार्मूलों का इस्तेमाल किए बगैर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की दो मेन इंपॉर्टेंट चीजों को जान लीजिए। दो मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको जानना है। पहली चीज ये है कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ या हानि में अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये परसेंटेज जो निकाला जाता है प्रॉफिट या फिर लॉस का यानी कि लाभ या फिर हानि का जो परसेंटेज निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ये बात को आपको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में रखना है। और दूसरी बात आपको कौन सी याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, कि अगर आपके सवाल में प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है यानी कि फायदा हुआ है और वो परसेंटेज में दिया गया है तो आप जब सवाल में उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो परसेंटेज प्रॉफिट का दिया गया है लाभ का दिया गया है उसे 100 में प्लस करके लिखेंगे, और अगर हानि हुई है यानी कि नुकसान हुआ है यानी कि लॉस हुआ है परसेंटेज में दिया गया है आपके सवाल में तब आप उस परसेंटेज को लॉस वाले परसेंटेज को 100 में से माइनस करके लिखेंगे। इसे किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये अभी आप सवालों में बेहतर तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और पहला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसे हम किस तरह से लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1960 रुपए में किसी सामान को खरीदा गया, एक साइकिल है 1960 रुपए में खरीदा गया, तो जितने पैसों में किसी भी सामान को खरीदा जाता है वही कॉस्ट प्राइस होता है, वही क्रय मूल्य होता है। जो खरीदा गया है वही क्रय मूल्य है, वही कॉस्ट प्राइस है। ये चीज आप समझ गए। और दूसरा आप में दिया गया है क्वेश्चन में कि इसे 1862 रुपए में बेचा गया, तो जितने पैसों में किसी सामान को बेचा जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस हम यहां लिख देंगे SP, यानी कि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब आपको यहां पे देखने से पता चल रहा है कि हमने खरीदा था इसको ज्यादा पैसों में और बेच दिया कम पैसों में, यानी कि अपना नुकसान करके हमने बेचा, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ उसे निकालने के लिए इसमें माइनस कर दीजिए, ज्यादा में से कम पैसों को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए का नुकसान हुआ है। तो 10 में से 2 गया तो बचा 8, 15 में से 6 गया तो बचा 9, यहाँ 0 बचेगा, 0 बचेगा, यानी 98 रुपए का नुकसान हो गया है। अब आपको पता चल गया है 98 रुपए का नुकसान तो हो गया है, मगर आपके सवाल में कहा गया है कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है, तो कितने प्रतिशत के लिए ये 98 रुपए जो है इसको आपको परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का या फिर लॉस का तो किस पर कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1960 है और 98 रुपए का नुकसान हो गया है, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ है। अब बात आ गई परसेंटेज की, तो यहां पे हमने आपको वीडियो में बताया है कि आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, तो उसको न याद करने के लिए आपको समझना पड़ेगा परसेंटेज के टॉपिक को अच्छी तरह से। और परसेंटेज का टॉपिक तो आपको समझना ही समझना है, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज को छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको परसेंटेज अगर समझ जाएंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को भी उसके भी सवालों को अच्छी तरह से कर लेंगे। तो हमें निकालना है कि ये 98 जो है ये 1960 का कितने परसेंट है, तो किस तरह से निकालते हैं, 1960 को नीचे रखते हैं, ये जो 100% होता है जो पूरा नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं और उसमें से जितना नंबर है वो ऊपर लिखते हैं, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज का अगर आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और परसेंटेज अच्छी तरह से निकालना सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना है ये 98 जो है 1960 का 98 कितने परसेंट है, तो इसको जोड़ घट गुणा भाग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कितने से काट सकते हैं,
हम इसको चार से अगर काट लें, इसको चार से काट लें तो चार चौक 16 होता है, 3 बचेगा, 4 नवा 36 होता है, 9 बार में कट गया। ऊपर भी चार से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 दुना 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 जीरो के साथ जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 245 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 49 है, ऊपर 245 है, तो 245 को 7 से इसको काटेंगे, 7 सत्ते 49 होता है, इसको भी 7 से काटेंगे, 7 यहाँ 21, 3 बचा, 7 पंजे 35 होता है, 7 से फिर काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि आपको निकल कर आ गया 5% का नुकसान हो गया है। आपके सवाल में जो भी दिया गया था क्वेश्चन कि 1960 रुपए में साइकिल को खरीद के 1862 रुपए में बेचने पर 98 रुपए का नुकसान हुआ और हमने उसका परसेंटेज निकाला तो 5% का नुकसान हो गया है। तो इस तरह से परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे सवाल को देखते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, देखिए हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। उसने गाय बेची कितने की है, 8,580 रुपए में गाय को बेचा है, तो 8,580 रुपए में बेचा है, तो जो बेचा गया है वही विक्रय मूल्य है, वही सेलिंग प्राइस होता है, जितने में बेचा गया है वो सेलिंग प्राइस, तो हमने यहाँ लिख दिया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरी चीज बताई गई है आपके क्वेश्चन में कि 4% के लाभ पर बेचा गया है, यानी 4% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही आपको बता दिया था कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, यानी कि लाभ हुआ है यानी कि फायदा हुआ है तो आप 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो 4% का फायदा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 104 लिखेंगे, 104% लिखेंगे, 104% का हमको फायदा हुआ है, ठीक है, 104% का फायदा हुआ है, प्लस के सिंबल से आप इसे दिखा सकते हैं, 104%, 100 से ऊपर अगर वैल्यू जा रही है यानी कि इसका मतलब यही है कि प्रॉफिट हुआ है, तो 4% का फायदा हुआ है तो 100 में हमने प्लस करके दिखा दिया 104% है। तो ये 104% जो है, ये जो लिखा हुआ है कि 8,580 रुपए में बेचा है, 4% के फायदे पर बेचा है, यानी कि वो जो वैल्यू होगी विक्रय, हमको क्रय मूल्य निकालना है यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितने रुपए में गाय को खरीदा था, तो गाय को खरीदा होगा 100% में, ठीक है, और उसमें 4% का फायदा हो गया तो हमको टोटल 104% इस तरह से आ गया, हमने यहाँ निकाल लिया। लेकिन ये जो नंबर लिखा है, ये जो बेचा है, ये 104% है, तो हमें निकालना है कि ये नंबर किस नंबर का 104% है, तो हमें 100% निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपने सवाल को, यहाँ पर लिखने के लिए हमें या तो फार्मूला याद होना चाहिए या तो हमें परसेंटेज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फार्मूले को ना याद करिए, फार्मूले को याद करने से आप बचिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को समझ लेंगे तो आपका परसेंटेज का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि 8,580 रुपए जो है ये किस नंबर का 104% है। अब हमने इसे किस तरह से लिख दिया, ये लिखने का तरीका आप परसेंटेज के टॉपिक में, परसेंटेज की वीडियो में लिखना समझ जाएंगे, तो आप परसेंटेज की वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे अब हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, इसे 13 से काट देंगे अगर तो 13 होता है, 13 104 होता है, 8 बार में एक कट गया, 13 से ऊपर काट देंगे हम इसे तो ये हो जाएगा 13 55 13 6 78, 6 बार में कट जाएगा और यहाँ बचेगा 7, इसके साथ जाएगा 13 6 78 हो जाएगा, ये वाला 0 और 2 0 यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ गया। आप 8 से अगर हम इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और इसको काटेंगे 8 8 64 होता है, 2 बचेगा, 8 2 16, 4 बचेगा, 8 45 और 0, यानी कि यहाँ पर निकल कर आ गया 8,250, 8,250 रुपए यहाँ पर निकल कर आ गया, यानी कि 8,250 रुपए में उसने गाय को खरीदा था और बेच दिया 8,580 रुपए में, यानी 4% का फायदा कमाकर। तो आपने देखा किस तरह से हमने इसका क्रय मूल्य निकाल लिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। सिर्फ अगर दिक्कत हो रही होगी आपको तो सिर्फ यहाँ पर हो रही होगी कि किस तरह से इस नंबर को लिखें, तो इसे लिखने के लिए आप परसेंटेज की वीडियो को देख लेंगे। तो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है।
तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए, कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 873 रुपए में किसी कुर्सी को बेचा गया है, तो बेचा गया है इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो हम SP लिख देंगे अपने याद रखने के लिए। और इस पर इसे बेचने पर 10% का नुकसान हुआ है, 10% की हानि हुई है, तो लॉस हुआ है। हमने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर नुकसान हुआ है, हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है परसेंटेज में, तो 100 में माइनस करके आप लिखेंगे। 10% का नुकसान हुआ है यानी 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90% आपका नुकसान हो गया है। इसे याद रखने के लिए आप माइनस का सिंबल लगा सकते हैं, मगर 100 से नीचे वैल्यू लिखी है इसका मतलब नुकसान ही हुआ होगा, इससे भी आप समझ सकते हैं और माइनस के सिंबल से भी समझ सकते हैं। तो आपके सवाल में सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया है, परसेंटेज दिया है, और आपको बताना है कि ये इसका क्रय मूल्य कितना था, कितने रुपए में खरीदा था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था कुर्सी का। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको, लिखेंगे 873, ये जो 873 है ये किस नंबर का 90% है, 873 किस नंबर का 90% है, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसे लिखने का तरीका सीखने के लिए आप परसेंटेज की वीडियो देख लेंगे, ये मैंने आपको हर बार इस वीडियो में बता दिया है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख के समझ लीजिएगा ताकि आपका परसेंटेज भी क्लियर हो जाए और प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम सिर्फ इसको देखिए, दो स्टेप में, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, ये तो मैंने आपको लिख के समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर आ गया है। अब आपको इसे कैलकुलेट करने में जितना भी टाइम लगाएंगे उतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, नौ से इसे काट देंगे, नौ एक कम नौ, यहाँ से नौ काटेंगे, नौ नवा 81 होता है, 6 बचेगा, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 होता है, और ये वाला जीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो आ गया 970 रुपये निकलकर। तो ये 970 रुपये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस बेचा था, और ये 873 रुपये किस नंबर का 90% है, ठीक है। तो हमने इस तरह से निकाल लिया कॉस्ट प्राइस। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। इसे बहुत ही आसानी के साथ हम कर लेंगे, आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे करेंगे। एक घड़ी है और उसे 2880 रुपए में बेचा गया, और कितने का नुकसान हो गया, 10% का नुकसान हो गया। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस दिया गया है, क्योंकि इतने में बेचा गया है, 2880 रुपए में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है सवाल में कि 10% का नुकसान हो गया, तो जब 10% का नुकसान हो गया है तो आपको मालूम है 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो कितना आएगा, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आएगा, यानी कि 90 जो है 90% का नुकसान हो गया उसे बेचने पर। तो ये चीज आपको देख ली, 90% का नुकसान हो गया। अब आपको आगे सवाल को पढ़ने से पहले आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, और इसी से आप पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद हम क्रय मूल्य जब निकाल लेंगे तब उस पर हम परसेंटेज निकालेंगे लाभ का, यानी कि प्रॉफिट का। यहाँ पे हमने बेचा है 2880 रुपए में, और 90% ये जो नंबर है ये 90% है किसी नंबर का, क्योंकि 10% का नुकसान पे बेचा है, तो 10 माइनस करेंगे 90 आ गया, तो ये नंबर किस नंबर का 90% है ये हम निकाल लेंगे, तो वो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2880 ये किस नंबर का 90% है, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यही निकाला है कि 2880 रुपए किस नंबर का 90% है, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब अगर आपका मन है तो इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आगे चलिए, और नहीं मन है तो आप इसको सॉल्व ना करिए, यहीं पे रहने दीजिए। अब आप मान लीजिए कि ये पूरा जो है आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया है, अब आगे आप सवाल को पढ़िए, इसको आप अपनी एक नज़र में मान लीजिए कि ये आपका कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है। अब आगे सवाल में दिया गया है कि इसे कितने का बेचे कि 5% का लाभ हो। जब लाभ की बात आ गई, प्रॉफिट की बात आ गई, तो आपको मालूम है 100 में वो परसेंटेज प्लस करके लिखेंगे, तो 100 में प्लस करेंगे तो 105% लिखेंगे, यानी 105% में हमें बेचना है। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया है, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। अब हमें इस कॉस्ट प्राइस को 100 इसका जो है 105% निकालना है, तो आप इसको सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट यहीं पर कर लीजिए कि इस ये जो है इसका 105% कितना होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको पढ़ने और बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है,
यहाँ पे हमने बोला कि 2880 रुपए किस नंबर का 90% है, और अब हम बोलने जा रहे हैं कि इस नंबर का, इस पूरे नंबर का 105% कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 105 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तब इस तरह से लिखते हैं, इस नंबर का 105% कितना होगा, इस तरह से निकालेंगे। अब ये ब्रैकेट आपका मन है तो हटा दीजिए अगर हटाने का मन है। उसके बाद देखिए 100 यहाँ डिवाइड में है या ऊपर है, तो 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 9 से इसको काट देंगे, 9 एक कम 9, 9 तिया 27, एक बचेगा 9 दुना 18, 32 और 105 आ गया। अब 32 का 105 में आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देख बचे होता है 15 और 3 एक कम 3, 0 इधर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 0 6 3 3, यानी कि इसको सॉल्व करके आ गया 3360 रुपये। ये आपका पता चल गया, आपने इसको अगर इतने में बेच देंगे तो 5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि 2880 रुपये में आपने किसी सामान को बेचा तो 90% था ये, यानी 10% का नुकसान हुआ, और 105 रुपये में बेचने, 105% में बेचने के लिए, यानी कि 5% का लाभ कमाने के लिए आप उसको 3360 रुपये में बेच दीजिए और 5% का लाभ कमा लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप चैनल पर नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जैक सर के साथ।